माशाल्लाह पिछली बार ज़्यादा आ गए हैं इस बार। अरे नुमान इजाज़ साहब भी आए हुए हैं, लगता है इस बार रिवॉर्ड लेके जा रहे हैं, वरना बगैर मतलब के तो आप घर भी नहीं जाते। और कौन कौन से दोस्त, इमू क्या हाल हैं? वैसे ही बाल मेंटेन किया आपने साल एक पूरा, माशाल्लाह। और ये एक माशाल्लाह नया लड़का हमजा अली अब्बासी, पिछले साल तक थे ही नहीं, इस साल तक हर जगह हैं वो, माशाल्लाह। और ये साथ मेरे फेवरेट हमायूं सईद साहब, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये प्लीज़ खोलिए इसको, वो उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। बंद ही रहने दो यार। नहीं नहीं सर, क्या मोहब्बत अंधी होती है? ये कान अखियों से सबा कमर की तरफ ना देखें, अपना तजर्बा से बताएं। वैसे आपको पता है पिछले साल मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि तुम हमायूं से हमेशा इस किस्म के सवाल करते हो। अच्छा सवाल भी करते हो। अच्छा सवाल करूँ आपसे? क्या आप प्लीज़ खड़े हो तो मेरे साथ ही बोल रहे हैं, इतना करीब आप किसी मर्द के काम ही आए होंगे। जी हमायूं भाई, आपने कहा मैं आपसे कोई अच्छा सवाल करूँ। हाँ मुझसे अच्छा सवाल करो। अच्छा ये बताइए, बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? यार अच्छा, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताएं। ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले इसने मुझसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा तो मुझे नहीं पता था। इन्होंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम शहबाज शरीफ बताया था, तो आप उससे दावा कर लें कि अगर मैं अच्छे सवाल करूँ तो उनका क्या हाल होगा। इससे सर मैं आपसे वही सवाल करूंगा जिस तरह के मतलब आप जवाब देते हैं। अच्छा देख, मुझे तेरे बहुत करीब खड़ा रहना पड़ा, जल्दी से पूछ। नहीं आप बैठ जाएं फिर, मेरे ख्याल से मैं भी कभी इतना करीब आपके नहीं हुआ। अच्छा मैं एक्चुअली कल जब एयरपोर्ट पे आया तो मुझे एक साहब मिले, एक्सीडेंटली मिल गए एकदम, और उन साहब ने मुझे बताया, बात करने मालूम हुआ कि वो एक बॉलीवुड से डायरेक्टर आए हुए हैं और पाकिस्तान में टैलेंट की तलाश में आजकल बहुत लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं इस तरह एक्टर एक्ट्रेसेस ढूंढने आया हूँ, तो आप अगर मेरी मदद कर सकें। मैंने उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप कल हम टीवी के अवार्ड्स हो रहे हैं वहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ तो टैलेंट का संडे बाज़ार लगा हुआ है आज। तो अब मैं उन बॉलीवुड के डायरेक्टर साहब को बुलाना चाहूँगा, तो प्लीज़ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर करण ढीला। चाहिए मुझे, आई वॉन्ट सम न्यू टैलेंट। अच्छा मैं यहाँ कहीं आया हूँ तो हम टीवी के अवार्ड्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, आई विल कॉल यू बैक, ओके बाय। कैसे हैं आप? हाय। कैसे हैं आप? बहुत ढीला। मेरा मतलब था यहाँ का कैसा महसूस हो रहा है आपको? उफ, पाकिस्तान आके तो मुझे कॉम्प्लेक्स ही हो गया यार, आई मीन पीपल आर सो गुड लुकिंग ओवर हियर। हर बस स्टॉप पे तीन तीन सलमान खान जैसे, हर सैलून पे पांच पांच करीना कपूर जैसी, और बल्कि कल तो मैं टीवी देख रहा था, चार पांच शाहरुख खान भी नजर आ गए मुझे। हमें तो 10 साल से नजर आ रहे हैं। और खैर वो मैं लोगों को बता रहा था कि आपका मकसद क्या है आने का पाकिस्तान बॉलीवुड से, है ना? बिल्कुल, यू नो आई लव पाकिस्तानीज, दे आर सो स्वीट। दिखाओ ना मुझे यहाँ का नया टैलेंट, मैंने कास्ट करना है अपनी फिल्म में। फिल्म में आपने हीरो कास्ट करना होगा, तो सर एक्टिंग तो थोड़ी बहुत ही मैं भी कर लेता हूँ तो। जानी मुझे अपनी फिल्म में मोहब्बत दिखानी है, इतना बड़ा नाक नहीं। इट्स अ लव स्टोरी यू नो। ठीक है, खैर अभी हमने बहुत से पिछले अरसे में लोग भेजे हैं इंडिया, वीना मलिक भी गई थी। और हमने उसको एक साल में वो बना दिया जो तुम लोग 10 साल में नहीं बना सके। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, रुक जाए ये वाला चेक करें, नया पीस आया मार्केट में, हमजा अब्बासी फ्रेश। अरे ये तो वो है ना जिसने वार की थी। हाँ हाँ बिल्कुल वही है। हाय होनते बड़े पैसे मंगेगा। अच्छा भाई कोई ऐसा मुझे दिखाओ जिसने कुछ ना किया हो लेकिन शो करता हो कि बहुत कुछ किया हो उसने। अच्छा फिर मैं आपको बताता हूँ, ढूंढ लिया मैंने, इधर आए। आपके तमाम मसलों का हल, नुमान इजाज। नुमान इजाज, ये तो बहुत पक्के एक्टर हैं, इनको अगर ले लिया तो हमारे एक्टरों का राज खुल जाएगा। देखो मुझे कोई ऐसा दिखाओ जो हो पाकिस्तानी लेकिन काम हमारे जैसा करता हो। साहिर लोधी को आज बुलाया नहीं मैंने। जालिंग जालिंग, तो मेरा बहुत टाइम जाया कर रहे हो। देखो अच्छा लड़कों को छोड़ो, मुझे कोई लड़कियों का बताओ यहाँ। लड़कियाँ हमने सारी भेज दी हुई जो भेजनी थी, अब हमारे पास अच्छी वाली रह गई, हम ही रखेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप एक्टर के अंदर ढूंढ क्या रहे हैं? एक्स फैक्टर। तो फिर हमायूं सईद की तरफ देखें ना जरा। ओह उसमें एक्स फैक्टर है क्या? एक्स फैक्टर का तो पता नहीं मगर उनकी एक्स की लिस्ट 200-300 में मुश्तमिल है। क्या ख्याल है टॉपलेस सीन कर लेंगे?
कर लेंगे और अगर ना कर सके तो फिल्म में मदीरा को ले आएंगे। जानी तो मेरा बहुत टाइम जाया कर रहे हो यार, पिछली दफा मैं आया था तो एक घंटे के अंदर हीरो कास्ट करके मैंने फिल्म अनाउंस भी कर दी थी। अच्छा, एक पहले कर चुके हो आप? या तो कौन सा पाकिस्तानी एक्टर कास्ट किया? अरे वो लंबा, वो चौड़ा, इजाज असलम? नहीं नहीं, फहद मुस्तफा? नो, मोहित मिर्जा? नो जानी, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ कौन है? अरे क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ। तूने मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर को कास्ट किया? I know, कितनी अच्छी चॉइस थी, है ना? बाउंसर्स इधर आओ, इस बंदे को उठाओ और जाके बाहर फेंको। Excuse me? तो वो आदमी जिसने मोहम्मद आसिफ को एक्टर बनाया है। क्या बदतमीजी है ये? आ जाते हैं इंडिया से, हमारे लड़के खराब करके चले जाते हैं, बाद में पैसे मांग मांग के हमारा बेड़ा कर देते हैं। लेके जाए इसको।